हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और ये हो रहा है सुबह सुबह चाय नाश्ते का टाइम, तो सब लोग इधर चाय नाश्ता कर रहे हैं। इधर बैठे हुए हैं दोनों भाई, ये लोग शाम को ही आए थे। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया ही था, आज का वीडियो जो है दोस्तों बहुत लेट जा रहा है, हो सकता है कि शाम हो जाए, क्योंकि कभी कभी होता है नेट की प्रॉब्लम जो नहीं चलती है, तो कुछ घंटे तो पेंडिंग में ही वीडियो पड़ी रहती है, तो उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरी बात दोस्तों, आज वीडियो एडिट नहीं हो पाया था, काम की वजह से इतनी ज़्यादा काम का प्रेशर हो गया है कि वीडियो ठीक से नहीं जा पा रहा है, टाइम पर नहीं पहुंच रहा है। तो चाय नाश्ता यहाँ पे सब लोग बैठ के कर रहे थे दोस्तों, और सुबह सुबह फिर उसके बाद दोनों भाई निकल पड़े थे, क्योंकि उसको जाना था अपने जहाँ पे वो काम करता है वहाँ, और दूसरा वाला भाई पड़ोस की जो बुआ है पास में ही रहती हैं, तो वो घर चला जाएगा और प्रदीप चला जाएगा अपने काम पे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ गए थे कंडे बनाने के लिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से गोबर जो है वो इकट्ठे हो गए थे, कंडे नहीं बने थे। तो हमारी दोनों बेटियाँ हमारी जो है वो मदद कर रही हैं, कोई पास में ले आ के हमारे गोबर रख रही हैं, और हम फटाफट से कंडे खड़ा कर रहे हैं और फिर इसके बाद चलेंगे घर। तो देखते हैं कि आज खाने में क्या बनता है, अभी कुछ प्लान नहीं है खाने में क्या बनेगा क्या नहीं। उसके बाद दोस्तों इधर हम आ गए थे और ये था अभी दोपहर का टाइम, कंडे बना के जब आए थे ना, वहाँ से आने के बाद खाना पीना बनाया, खाया, दोपहर का काम किया, थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी, बिल्कुल भी वीडियो रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं किया, बस खाना बना के और खाने के बाद मैं सो गई थी। फिर उसके बाद ये दोपहर का टाइम था, सो के मैं उठी हूँ और बच्चों को लगी थी भूख दोस्तों। कल शाम को ना बनी थी सब्जी और कचौरियाँ, तो वही सब्जी और कचौरियाँ बाकी की रखी रह गई थी, तो उसी को सुबह हम लोगों ने खा लिया था। खाना आज सुबह नहीं बना है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे खाने रखे रह जाते हैं तो फिर उनको हम क्या करें, फेंकना भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए खाना आज सुबह नहीं बना था। उसके बाद मैं सो ही रही थी दोस्तों, करीब 2-2.5 बजे का टाइम हो रहा था, बच्चों ने मुझे उठाओ हिला हिला के उठाया, मम्मी उठो भूख लगी, आपने बोला था कि दोपहर में मैगी बनाएंगे पर आप अभी तक सो रही हो। तो सो के मैं उठी हूँ, मेरा चेहरा ऐसा है कि जैसे किसी ने मुझे 2-3 थप्पड़ लगा के कुर्सी पर ले आके बिठा दिया हो। सोने के बाद चेहरा ऐसा दिखता है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं हम बीमार हैं कि आपको किसी ने मार दिया है, ऐसा ही चेहरा रहता है और बिल्कुल लूज रहती है बॉडी, काम करने का बिल्कुल मन नहीं रहता है। लेकिन आज मैं सो के उठने के बाद बिल्कुल नहीं बैठी हूँ, क्योंकि अपने बच्चे भूखे रहे तो माँ फिर कभी नहीं चाहेगी, वो फिर अपना आराम चैन सुख सब भूल जाएगी। फिर मैं ज़रा से भी बैठी नहीं, क्योंकि मुझे अंदर से ये हुआ कि हाँ मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं सो रही, ये लोग मुझे उठा रहे, तो बस फटाफट से मैं उठी, मुँह धुली और मुँह धुल के तुरंत मैं लग गई काम करने में। तो अभी अभी मैं मंगवाई हूँ दुकान से दोस्तों मैगी, एक पैकेट मैगी रखी रह गई थी घर में, वो काफ़ी क्या दोस्तों करीब 1 हफ्ते पहले की थी, लोगों ने बोला था, लेकिन फिर एक पैकेट तो अभी ने खोल के ऐसे ही फैला दिया था, मतलब ख़राब कर दिया था, तो बची की एक पैकेट। तो फिर मैंने कहा एक पैकेट में होगा नहीं, चलो मंगवा के किसी दिन बना देंगे। तो अभी मैं 4 पैकेट मंगवाई हूँ और ये छोटी वाली पैकेट है। इधर मैंने तड़का लगाने के लिए सारी तैयारी कर ली है, लहसुन भी छील लिए थे और 3 से 4 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज भी काट ली थी। प्याज मैंने थोड़े से ज़्यादा ले लिए हैं, क्योंकि प्याज थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो अच्छा लगेगा खाने में। और जीरा भी मैंने डाल दिया है। इधर टमाटर काट के हमने रख लिया है और हरी मिर्च भी 2 काट लिए हैं। टमाटर मैंने 2 लिए हैं दोस्तों मीडियम साइज़ के, टमाटर भी नहीं था घर में, जब सो के उठी फ्रिज में देखा तो टमाटर भी नहीं था, तो फिर सोना को बोला जाके पास के दुकान से सोना टमाटर ले गया है, क्योंकि टमाटर इसमें नहीं रहेगा ना दोस्तों बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ग्रेवी वगैरह रहती है, टमाटर रहता है तभी अच्छा लगता है। वैसे तो टमाटो सॉस था, फिर मैंने सोचा अगर नहीं मिलेगा तो इसी से काम चलाएंगे, लेकिन मिल गया है तो टमाटर भी मैंने डाल दिए। और उधर रेड चिली मैंने ले ली है और ग्रीन चिली भी ले ली है, ये मैंने ग्रीन वाली मंगवाई थी होली पे, क्योंकि दही बड़ा बनाना था दोस्तों उसके लिए, लेकिन आज तक मैं दही बड़ा नहीं बना पाई हूँ। और उड़द की दाल रखी हुई है छिलका वाली, सोचते हैं कि किसी दिन बना ले, पर देखते हैं कब बनता है ये भी मुझे नहीं पता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया है ग्रीन चिली, इसे चटपटा एकदम चटाकेदार बनेगा, मज़ा आ जाता है खाने में, इसका टेस्ट इसको डालने से एकदम से बदल ही जाता है बहुत, मतलब ये दोनों चीज़ें मैं नहीं डालती तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैसे दोस्तों मुझे चाइनीज़ चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है,
जैसे कभी मैं चाउमीन वगैरह नहीं खाती हूँ, मैगी ग्रेवी रहती है ना इसमें, तो इसलिए मैं इसको खा भी लेती हूँ कभी कभी, वरना इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं पसंद। जब बच्चे जिद करते हैं तभी बनाती हूँ, तो फिर बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर ग्रेवी करके बना लिया है, और अब जितने भी पैकेट हैं ना इनको मैं खोल लूँगी, खोल करके थाली में निकाल के रख लूँगी। और ये छोटी वाली पैकेट है दोस्तों, ये 7 रुपये की एक पैकेट आती है हमारे यहाँ। वैसे तो पहले ये 5 की थी, पर पता नहीं क्यों अभी हमारे पास के जो दुकान है ना वहाँ पे ये 7 रुपये की देते हैं, तो मैंने इसलिए 4 से 5 पैकेट ले लिया, क्योंकि छोटी पैकेट है ना फिर सबको नहीं होएगी, एक पैकेट तो एक जन के लिए ही रहती है, तो हम टोटल 6 लोग हैं, तो 5 में हम लोग मैनेज कर लेंगे। और ये एक पैकेट निकलती है मसाले, तो मसाला जो है इसका रहता है ना ये भी काफ़ी टेस्टी रहता है। ऐसे ही मसाले को मानसी खा रही थी, मुझसे बार बार मांग रही थी मम्मी थोड़ा सा और दे दो, मैंने कहा मसाला तुम ऐसे ही खा जाओगी तो मैगी में क्या डालूँगी। पानी मैंने डाल दिया था, और उसके बाद जैसे इसमें उबाल आई ना दोस्तों, तो फिर मैंने इसमें मैगी को उठा के डाल दिया। हल्दी मैंने नहीं डाली है, क्योंकि मैं सॉस वगैरह यूज़ की है ना, मैंने यूज़ किया है तो उसी से फिर अच्छा हो लगेगा देखने में इसका कलर। और ये देखिए जो मसाले मैंने प्लेट में निकाल के रखे थे सारे के सारे, में 5 पैकेट इसमें मिला दूंगी, और मिलाने के बाद इसको ज़्यादा बनाने में टाइम नहीं लगता है, बस पानी में उबाल आ जाए और बस 5 मिनट और मुश्किल से, फिर उतने में ही बन के ये तैयार हो जाता है। वैसे मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी है, एकदम थोड़ा थोड़ा सा मैंने ग्रेवी रखी है। बस बनने के बाद दोस्तों हमने ज़रा सा भी इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि बच्चे हमारे भूखे हैं, तो सबके लिए यहाँ पर मैं फटाफट से निकाल रही हूँ और तीनों को निकाल दूंगी, पंखे में ले जा के रख दूंगी, बस ले चम्मच लगा देंगे और ये लोग खा लेंगे दोस्तों। और आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप लोग बताते नहीं हो दोस्तों, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को आगे बढ़ाइए, और जितना हो सके वीडियो को वायरल कीजिए। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आप लोग वीडियो को वायरल कीजिए, और ताकि मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ें। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि आपकी वीडियो पता नहीं क्यों ग्रो नहीं हो रही है, पिछले 2 साल से 3 साल से मैं आपकी वीडियो देख रही हूं पर पता नहीं क्यों नहीं ग्रो हो रही है। दोस्तों मैं भी बहुत परेशान हूं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं ना व्यूज़ उतने नहीं आते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है क्या प्रॉब्लम है ये भी मुझे नहीं पता है। मैं देखती हूँ कि औरों के जितने मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं पर व्यूज़ अच्छे आते हैं, पर पता नहीं मेरी वीडियो में क्या कमी रह जाती है, मेरे अंदर क्या कमी है या फिर वीडियो में क्या कमी है, क्या कुछ है मुझे ये भी नहीं पता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला, 2-3 कमेंट ऐसे आए थे कि आप शिवानी के यहाँ संडे को जाइए और उनसे मिलिए, उनके जो मैनेजर है ना उनसे बात कीजिए ताकि आपका चैनल देखे। तो कानपुर जाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि कानपुर इतना पास भी नहीं है हमारे, यहाँ तक कि मैं प्रतापगढ़ भी नहीं जा सकती हूँ, गोरखपुर भी नहीं जा सकती हूँ, बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ आगे चल के कभी देखेंगे कि अगर सब कुछ ठीक रहा मेरी लाइफ में तो जाऊँगी। ये देखिए सबके लिए मैंने निकाल दिया है, और निकालने के बाद अब मैं भी खाऊंगी, क्योंकि हमें जाना है खेत के लिए, खेत में भूसा भी पड़ा है तो उसको भी हमें भर के ले आना है। और आंधी का डर लगता है कि कहीं अगर आंधी जोरों से आ गई तो हमारा चारा जो है वो उड़ी जगाएगा, खेत में ही फैल जाएगा पूरा, तो इसलिए और ही ज़्यादा डर लगता रहता है। तो मैं अभी 4 बजे निकल जाऊँगी खेत के लिए। खाने के बाद दोस्तों ये देखिए मैं पानी वगैरह पी रही हूँ, और तुरंत ही मैं खेत के लिए निकल जाऊंगी, क्योंकि टाइम अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, और बच्चों को नहीं लेके जाऊंगी मैं, अकेले ही जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे भूसा है तो ये लोग पूरे कपड़े वगैरह में लगा लेंगे, अभी तो और शैतानियाँ करता है, फिर खुजली बहुत होगी, वहाँ जाने के बाद एक भी नहीं मानेंगी। तो ये देखिए दोस्तों हम खेत में पहुंच भी गए, और हमारी जो त्रिमूर्तियाँ हैं ना इनको हमने मना किया कि हमारे साथ आपको खेत में नहीं जाना है, लेकिन कहाँ ये मानने वाली हैं, अपनी अपनी मोटरसाइकिल लेके आ गई है मेरे साथ, और अब देखते हैं कि क्या करना है। ये देखिए ये पूरी जो झाल है ना ये भरी है, और अच्छा हाँ मैंने बोला था ना कल की वीडियो में भाई एक लेबर किया था, और लेबर से ही ये सारा काम मिल करके उसने करवाया है, और साथ में दोनों थे उन्होंने ही भर दिया था, लेकिन लेबर ने इतना ख़राब काम किया वो लोग घर चले गए थे। मतलब मज़दूरों का ये हाल रहता है ना दोस्तों, जब तक साथ में लगो ना तब तक काम ठीक से नहीं करते हैं, ऐसा लग रहा है कि बेगारी करके चले जाते हैं, पैसा इनको लेना ही नहीं है। साथ में जब तक भाई लोग थे वो लोग तब तक तो अच्छी झाल पीछे की झालें अच्छी भरी है, लेकिन अभी की झालें देखिए इतनी जल्दी जल्दी आधी आधी झाल भर के ये लोग भाग गए हैं,
कि एक ही थे, इतना जल्दी इतना ख़राब काम करके गए हैं, तो इतना गुस्सा मुझे आ रही थी, इतना गुस्सा आ रही थी कि मैं क्या ही बोलूं। अभी हमें और भी भूसा, मतलब कि इतने जो भूसे हैं ना, इसके अलावा भी हमारा ताल का खेत है वहाँ पे भी भूसा हमें रखना है, तो उसके लिए एक भी झाल नहीं बची है। सारा झाल इन्होंने आधी आधी झाल भर दी और बिल्कुल भूसा को दबाया नहीं, हाथों से ऊपर ऊपर भर के चले गए। ये देखिए मैं फिर से मेहनत कर रही हूँ, हाथों से दाब रही हूँ, दाबने के बाद अच्छा सा पूरा स्पेस बच रहा है। अब जो स्पेस बचा है ना, इसमें मैं दूसरी झाल का भूसा ले आके रखूँगी। इस तरह करूँगी ना तो मुझे कम से कम पाँच से छः सात झाल तो खाली हो ही जाएंगे, जो मैं वहाँ के भूसों को इसमें भर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, अब मुझे इसी तरह से पूरी झाल को करना है, तब जाके कहीं ठीक से हो पाएगा। आधी आधी झाल भरने से क्या फ़ायदा, बोरी भी हमारी फंस जाएगी, मुझे पैसे ले आके फिर से ले आने पड़ेंगे और कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा। जगह भी इतनी हमारे पास नहीं है झाल रखने के लिए, तो बड़ा सब कुछ सोच समझ के करना पड़ता है। तो जो जो मैं भरती जा रही हूँ उसको सूजा और सूत लेके आई हूँ दोस्तों, मैं सिलती जाऊँगी इसी तरह से, क्योंकि मौसम ठीक नहीं है। आप सभी देख रहे हैं कि अभी बदली बदली सा मौसम है, कभी बूंदी भी हो जाती है, एक दिन तो बारिश भी हो चुकी है, तो इसलिए डर लगता है सारे चीज़ अच्छे से समेट जाए, सारा कुछ हो जाए, फिर जाके कहीं दिल को सुकून मिलता है। तो इसी तरह से मैं सारे जितने भी झाल हैं ना सबको सिलूंगी और फिर इसको उठा के हम यही ट्यूबवेल पे रखवाएंगे, क्योंकि घर पे आप सभी को तो पता है कि वहाँ पे रखने का कोई जुगाड़ नहीं है, यहीं पे रखेंगे। और यहाँ भूसा रखने से एक दिक्कत भी आ जाती है, अभी नहीं पर बारिश में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि बारिश में बूंदी वगैरह टपकती है और हमारे यहाँ बाढ़ बहुत जल्दी आती है यहाँ इस खेत में। जब हमारे पास ही एकदम किनारा है, तो जब भी बारिश होती है पानी छूटता है तो उस किनारे का पानी हमारे पूरे इस खेत में भर जाता है। और ट्यूबवेल जो पीछे हमारे दिख रहा है ना, अभी दिखेगा आप सभी को, तो उस ट्यूबवेल में मतलब पानी भर जाता है। तो उस टाइम हमें डर रहता है कि कहीं हमारे जो यहाँ पे भूसा वगैरह रखे हैं ना वो भीग ना जाए, पर तब की तब देखी जाएगी, अब देखते हैं। ये हाथ में क्या ली है सुन, ऐसे मत उछलो यार, फट जाएगी झाल। नीचे आओ सब लोग, अभी आप ही नीचे, खुजली होगी भूसा सोना, नीचे आओ मानसी, नीचे आओ, नीचे आती हो कि नहीं, आ जल्दी आओ, चलो क्या बोली, देखो तो लग जाएगी, कहीं पानी चाहिए, रुको दे रहे, हटो बेटा यहाँ आओ, बुला रहे हैं। बच्चों की शैतानियाँ तो जारी ही रहती है हर वक्त, ये कभी थकते हैं और ना ही कभी रुकते हैं। अभी को भी लग गई थी जोरों की प्यास और सारा काम कर करके मैं भी हो गई थी प्यासी, क्योंकि जितने भी झाल आप सभी को दिख रहे होंगे ना भूसा का, सारा सिल गया है। और सिलने के बाद पूरा हमने इस तरह से रख दिया और बाकी के एक दो झाल ऐसे पड़े हैं, इनको हम ले चलेंगे घर, तो वहाँ पर खिलाने को हो जाएगा। और बाकी के जो झाल हैं हम इनको यहीं पर रखवा देंगे। तो अभी देखिए दोस्तों, सारा भूसा भर गया है और कुछ भूसे को मैंने झाड़ू लगा के यहाँ पे इकट्ठे भी कर लिए हैं और उनको झाल में भी डाल दिए हैं। और अभी शाम के लगभग 6 बज रहे हैं, तो इन सबको अंदर रखना है रूम के, तो बस इसको रखवाएंगे और चलेंगे। पूरा मतलब कपड़े में पूरा भूसा हो गया है, घर में चलने के बाद नहाना भी है। और हमारे साथ साथ तीनों बच्चों भी यहाँ पे है, देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, कपड़े वगैरह उतार के क्या कर रहे हैं। ए क्या कर रहे हो तुम लोग, मानसी कपड़ा उतार के क्या कर रही है, आ रहे इसके पास, रुको। हेलो मम्मी मौसी, नमस्ते। तो आप सब देख सकते हो तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30। उधर बैठी है मम्मी, अपना बना रही है तो ट्राईपॉड। तो ट्राईपॉड खराब हो गया है, ये जो पुराना वाला ट्राईपॉड था ना उसका मैं इसमें लगाया था तो ये भी टूट गया है। और इस ट्राईपॉड के साथ जो मुझे ये मिला था कैमरे को फंसाने वाला, ये पहले से ही ख़राब था, तो बड़ी दिक्कत हो गई दोस्तों। मुझे एक फ्लिपकार्ट से मंगवाना पड़ेगा इसके लिए। जो लाते हैं मतलब ऑनलाइन, जितनी बार भी मैं ये वाला ट्राईपॉड मंगवाई हूँ उतनी बार उसका ये खराब ही निकला है। मुझे स्टैंड लगा, प्लीज आपको निवेदन है कि आप अच्छे से देख कर लें। तो मैं दो ट्राईपॉड मंगवाई हूँ दोस्तों, इसमें तो एक मम्मी के यहाँ रखी हूँ उसका भी यही चीज़ ख़राब था और ये वाले ट्राईपॉड का भी यही चीज़ ख़राब था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जो 1200 का मैं मंगवाई थी ना 2 साल पहले, ये उसका है वही ठीक था, पर पता नहीं क्या हो जाता है। मैं सोचती सस्ता सा कोई मंगवा लेती हूँ, लेकिन यही दिक्कत रहती है।